ज्वालामुखी में राज्य स्तरीय अंडर 11 व अंडर 19 ओपन एंड गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता का आगाज। ज्वालामुखी के रामाकृष्णा लॉन्ज में हिप्र स्टेट शतरंज एसोसिएशन की तरफ से राज्य स्तरीय अंडर 11 व अंडर 19 ओपन एंड गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता का आगाज किया गया, जिसमें कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जिला कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला आदि से संबंधित प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें 11 व 19 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है तथा उन्हें शतरंज खेल के नियम भी समझाए। हिप्र स्टेट चेस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी विदुषी शर्मा ने बताया कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें 63 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 50% लड़कियां भाग ले रही हैं। कल इस प्रतियोगिता का समापन होगा और चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किए जाएंगे और इनाम भी वितरित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा और अव्वल प्रतिभागियों को सम्मान चिन्ह भी दिए जाएंगे। गेस्ट हाउस पे अंडर 11 और अंडर 19 चेस चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें 63 बच्चों ने भाग लिया है और इसमें 50% तो लड़कियां ही हैं जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये टूर्नामेंट 2 दिन चलेंगे, आज और कल के लिए, और कल इनको क्लोजिंग भी की जाएगी। इसके बाद नेशनल्स हैं, बच्चे यहाँ से चयनित होकर आगे नेशनल्स भी जाएंगे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे बच्चों का रिस्पांस देखे, आज जितनी स्ट्रेंथ है इसको हम चाहेंगे आगे और ज़्यादा बढ़ते हैं।